हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। आज रामनवमी है तो आप सबको रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज मैं मेरा ब्लॉग बनाने जा रही हूँ। तो हमारे समाज में ये आज रामनवमी के उपलक्ष्य में शोभा यात्रा रखी जाती है। तो पिछले 2 वर्ष से तो ये नहीं आयोजन हुआ था कोरोना की वजह से, तो आज इसका आयोजन रखा है। तो आज शोभा यात्रा होगी और कलश का प्रोग्राम है। तो चलिए आज बनाते हैं ब्लॉग और मिलते हैं कलश यात्रा में। यहाँ पर हम लोग ये कलश की तैयारी कर रहे हैं। थोड़ी देर में ये सब कलश रेडी हो जाएंगे। 101 कलश तैयार किए गए थे तो बस अब ये रेडी है। और यहाँ पर ये ढोल नगाड़े बजा कर के शोभा यात्रा का आगाज कर दिया गया है। तो बस थोड़ी ही देर में ये शोभा यात्रा प्रारंभ होगी। सब हर्ष और उल्लास से रेडी हैं। देखिए इन सबको, बहुत ही जोश से ये ढोल वगैरह बजाए जा रहे हैं। अब बस शुरू होने ही वाली है शोभा यात्रा। दर्शन चारो धाम, बोलो जय सियाराम, जय जय सियाराम, जय रघुनंदन, जय घनश्याम। यहाँ पर अभी बहुत से लोग तो आ चुके हैं और बहुत से आने बाकी हैं। तो बस थोड़ी देर में सब जने आ जाएंगे तो फिर कलश यात्रा शोभा यात्रा का प्रारंभ हो जाएगा। बस सब इंतज़ार भी कर रहे हैं। अब हम लोग भी रेडी हो चुके हैं कलश लेकर के रवाना होने का। तो बस अब सब लेडीज़ आ गई हैं, हम लोग सब तैयार हैं। तूने सिखाया रिश्ते क्या होते हैं, माता पिता के चरणों में स्वर्ग होते हैं। मेरी हर समस्या का हल तेरे नाम में ही छुपा है। मेरा मुझ में कुछ भी नहीं, मुझ में ही सब कुछ तेरा है। कोई बोले कृष्णा तो कोई तुझको बोले है राम। तेरा नाम लेके हो जाते हैं दर्शन चारों धाम, बोलो जय सियाराम, जय जय सियाराम, जय रघुनंदन, जय घनश्याम, जय सियाराम, जय जय सियाराम। रथ यात्रा निकल चुकी है, अब हम बस कलश लेके रवाना हो गए हैं। और बड़े ही धूमधाम से राम भगवान का जन्मोत्सव मनाते हुए निकल गए हैं रथ यात्रा के लिए। और यहाँ पर ये सब राम भक्त हर्षोल्लास से खुशी मनाते हुए निकल चुके हैं राम भगवान की शोभा यात्रा में। भगवान श्री राम श्री हरि विष्णु जी के 7वें अवतार थे। भगवान श्री राम का जन्म पृथ्वी पर दानवों का नाश करने के लिए हुआ था और उनके साथ ही साथ भगवान श्री राम का जन्म पृथ्वी पर धर्म की स्थापना करने के लिए भी हुआ। उसी दिन को लोग रामनवमी के उपलक्ष्य में मनाते हैं। रामनवमी के दिन उदयपुर में 144 धारा लगी हुई थी। ये शोभा यात्रा निकालने के लिए समाज के बंधुओं ने कलेक्टर महोदय से परमिशन ली थी। उसके बाद ही इस शोभा यात्रा का आयोजन रखा गया है। आप देख सकते हैं कि कितनी भव्य शोभा यात्रा निकाली गई है। तुझको बोले तेरा नाम लेके हो जाते हैं दर्शन चारों धाम, बोलो जय सियाराम, जय जय सियाराम, जय रघुनंदन, जय घनश्याम, जय सियाराम, जय जय सियाराम, जय रघुनंदन, जय घनश्याम, जय सियाराम, जय जय सियाराम, जय रघुनंदन, जय घनश्याम, जय सियाराम, जय जय सियाराम, जय रघुनंदन, जय घनश्याम। यहाँ
पर ये सभी झूमते गाते हुए श्री राम जी का जयकारा लगाते हुए श्री राम जी के जन्मोत्सव पे खुशियाँ मनाते हुए रथ यात्रा में नाचते गाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और यहाँ पर ये बच्चे भी बहुत बढ़ चढ़ के इसमें भाग लेते हैं, इनका यहाँ पे स्वागत किया जा रहा है जो। और ये रास्ते में हम लोग बहुत धूप में चल के आए थे पैदल, तो ये यहाँ पे प्रसाद दिया गया सबको। ढोल बजे और लेडीज़ के पैर ना थिरके ऐसा पॉसिबल नहीं है। झूमते गाते हुए इस भव्य शोभा यात्रा में आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर भी ये प्रसाद वितरण किया जा रहा है। पहुंच चुके हैं कुमावत महासभा भवन जो मलातलई में हरिदास जी की मंगली में स्थित है। यहाँ पे भी ये सब आए हुए लोगों का स्वागत कर रहे हैं। हम अम्बा माता नारा घाटी से 3 किलोमीटर पैदल चलकर यहाँ आए हैं। ये भव्य शोभा यात्रा की खुशी है जो हमको पता ही नहीं चला कि कब यहाँ पहुंच गए, थकान का एहसास ही नहीं हुआ। यहाँ पे ये पहले हनुमान जी की आरती की तैयारी चल रही है। हनुमान जी की आरती यहाँ पे होगी। राम भगवान की भी आरती की जाएगी। यहाँ पे पीछे की तरफ ये देख सकते हैं राम भगवान का मंदिर है।
लखन जान की, राम लखन जान की, धर्म की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव, जय 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 बोलो हनुमान की। और यहाँ श्री राम भगवान जी के सामने दीप प्रज्वलित करके सभा की शुरुआत की जा रही है और ये सभी पधारे हुए अतिथिगण हैं। और ये है कुमार समाज के जिला अध्यक्ष श्रीमान युवराज जी नाहर साहब जो सभा को संबोधित कर रहे हैं। राहों में और ये है रास्तों से कह दो उनके महामंत्री राहों में शंकर जी रावड़िया मुश्किलें जरूर हैं सभा को संबोधित कर रहे हैं और सभी को ये बता हम अभी रहे थके हैं नहीं पिछले और नहीं रुके हैं कार्यकारिणी के कार्य में क्या कार्य हुआ। आज से 7 साल पहले जब हमारे कार्यकाल का प्रथम रामनवमी कार्यक्रम हुआ था उस वक्त यह एक खाली प्लॉट हुआ करता था और जब हमने यहाँ पर हमारे कार्यकाल का पहला रामनवमी कार्यक्रम किया उसी दिन हमने आप सभी के सामने प्रभु श्री राम को मानकर हमने प्रण लिया था कि हम आज से ही इस महासभा भवन का निर्माण प्रारंभ करने का प्रयास चालू कर देते हैं। यहाँ पर इन सभी कार्यकर्ताओं का स्वागत किया जा रहा है जो हमेशा एकजुट होकर समाज के सभी कार्यों को पूर्ण रूप से पूरा करने में अपना योगदान देते हैं। ये समस्त जन धन्यवाद के पात्र है जो हमेशा समाज के लिए तत्पर रहते हैं। सभी को धन्यवाद है जो हमेशा एकजुट होकर के अपना कार्य पूर्ण रूप से निभाते हैं। समाज इस जाति दिवस को जाति एकता दिवस के रूप में हम मना रहे हैं और इसको हमने कलश यात्रा के साथ इस कार्यक्रम को बोला है जो हमारे करीबन 1500 लोग समाज के इस कलश यात्रा में शामिल होते हैं। इस बार कोरोना काल में भी इस महासभा की टीम ने ब्लड डोनेशन का प्रधानमंत्री सहायता कोष के लिए और एक गोपल योजना चलाई थी जिसमें बच्चों ने भी इसमें प्रधानमंत्री सहायता कोष में सहयोग किया था और मिठाई का भी हर दीपावली का एक टीम कार्यक्रम करती है और अभी जो निर्माण का कार्य चल रहा है वो भी हमारे 5-6 सालों से भवन निर्माण का कार्य चल रहा है और आगे अभी आगामी कार्यक्रम में हम हमारे कोरोना काल में जो समाज के करीबन 125 लोग इस कोरोना के कारण
का स्वर्गवास हो गया, उनको हम सार्वजनिक सामूहिक तरीके से पूरा समाज उनको श्रद्धांजलि इसी प्रांगण में देने वाला है। और उसकी 25 अप्रैल को वो कार्यक्रम हम रखने जा रहे हैं। उसी के साथ उसी दिन एक महारक्तदान शिविर भी है, और उसके बाद 19 से 21 मई तक जो करीब 4 वर्षों से ये KPL प्रतियोगिता चल रही है उसका भी आगाज होने वाला 19 से 21 तक जो समाज के सभी युवा उसमें क्रिकेट मैच का आयोजन होने का उसके अंदर KPL प्रतियोगिता ये भी 4 साल से चल रही है, हम 19 तारीख से चालू कर रहे हैं। और भी कई कार्यक्रम में कई योजनाएँ जो इस टीम के द्वारा चलेगी, समाज बंधु आज सभी समाज बंधुओं का स्नेह बोल यही है, और सभी आगे भी हम सभी समाज बंधुओं से निवेदन और आग्रह करेंगे कि इसी तरह कार्यक्रम चलता रहे और समाज हित के उत्थान और समाज विकास में हमारा योगदान चलता रहे और हमारा सफल चलता रहे। सभा का आयोजन होने के बाद भोजन की व्यवस्था रखी गई, जिसमें सभी ने भोजन प्रसाद लिया। राम भगवान के जन्मोत्सव पर रामनवमी को बड़े ही हर्षोल्लास से मनाया गया। सभी ने भोजन प्रसाद का आनंद लिया। आप सभी को मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा, भव्य कलश यात्रा कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मेरा पूरा ब्लॉग देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय श्री राम।